Hello, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गाइज, जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम करने वाले हैं आप लोग का साइंस 2 का क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन। ठीक है गाइज, ऑलरेडी बहुत लोग अपलोड कर रहे थे, दैट वॉज अ ट्रांसलेशन। बाद में एक्चुअली ऐसा हो गया है कि वो कुछ वैल्यू का है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूरे चेंज हो गए गाइज, वो क्वेश्चन वहां के नहीं है। आप लोग पाओ के क्वेश्चन डिफरेंट है, तो उसी तरह से आप लोग भी प्रिपेयर करना। ऊपर नीचे है थोड़े, यहाँ अप्स एंड डाउन्स में, इसमें से हमारे को 80 ही दिया गया है, और उनके वाले मराठी वाले में जो ट्रांसलेशन लोगों ने किया था उसके में बहुत ज्यादा थे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश वाला पीडीएफ उठाना या इंग्लिश वाला या लेटेस्ट वीडियो ही देखने, तो उसके हिसाब से आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक सेकंड इसे शेयर कर दूं, और मेक श्योर आप भी करें कि इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत सारी अच्छी चीजें वहां पे ऑलरेडी हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को फायदा होगा, दिन बहुत कम बचे। अगर हो सके तो पीडीएफ लेके सीधा फटफट आप लोग प्रिपेयर करने को शुरू कर दीजिए, और एक्सप्लेनेशन सुनना है थोड़ा, ऐसा बोलते हैं ना कि रेसिडुअरी मैटर रहेगा, वो सुनना है तो रह जाइए, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देयर इज नो अदर वे, गवर्नमेंट अगर कैंसिल करती है जैसे तो ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हम लोग वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है गाइस, इसीलिए हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, चलो हमारा कर्तव्य बोलना, बाकी आप लोग के ऊपर ये फॉलो करना, गाइड कर सकते हैं ना, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि नया वाला जो जो मैं बोला वही फॉलो करते रहिए, नहीं तो आप लोग खाली बगल कुछ और रिसोर्स पढ़ के जाएंगे और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट दे रही उतना ही करते ना। चलो गाइस, इसे शेयर कर दिया मैं टेलीग्राम पे, आगे बढ़ता हूं मैं अब। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज के लिए एक सेकंड आवाज के इश्यू देख लो, ये नहीं है ना। एक सेकंड बच्चों, आवाज की कोई इश्यू नहीं है ना, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, हाय हाय जय हाय, हेलो हेलो हेलो, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग मैन। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, आवाज ठीक है? हाँ ठीक आ रही है, चलो थैंक्स अ लॉट बच्चों आने के लिए। अब गाइस, इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया ऑलरेडी, आप लोग भी देख लेना इसको। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, गाइस आप लोगों को मालूम है इसे ट्रांसलेशन, हमारे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए के कोडॉन्स के एंटी कोडॉन लाके दे दे कौन? टीआरएनए, जो साइटोप्लाज्म में से लाके देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और थर्ड क्या आता है? राइबोसोम जो है वो एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है गाइस, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है और पूरा प्रोटीन बनाने को ट्राई करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हमारा आंसर ट्रांसलेशन ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द, अभी इनिशियल स्टेज मतलब एम्ब्रियो के स्टेज पे, जैसे कि आप देखोगे फ्रॉग का कंपेयर होता है, बर्ड का कंपेयर होता है ह्यूमन से, सो वो जो इनिशियल स्टेज है वो एम्ब्रियोलॉजिकल है। ठीक है, इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो विजडम टीथ अक्करदांत जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली, ईयर मसल जो नीचे के हैं, बॉडी हेयर्स, ये सब गायब हो जाएंगे थोड़े दिनों में। प्रोटीन लोकेटेड इन बोन, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसे रट्टा मार लो वो सीन होता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा, हमारे स्किन के अंदर मेलानिन होता है, तो यहां से होता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2, विटामिन B3 याद कर लीजिए। ठीक है, सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, टोमैटिक और बॉडी सेल भी बोलते हैं इसको, बॉडी सेल। मैं ये सब ऑलरेडी आप लोग को पता होगा गाइज, मैंने आज से एक साल पहले लेक्चर्स में सब डाल दिया है ऑलरेडी, मैंने साइंस 2 की बहुत सारी चीजें डाली, सिर्फ मेरा एक ही चैप्टर या दो चैप्टर बाकी, फिफ्थ चैप्टर बाकी, दैट्स ए ग्रीन एनर्जी का, और थोड़ा सा बाकी हमारा ये 8th हो गया, 9th बाकी है। ठीक है, बाकी सब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अच्छे वाले चैप्टर जो वजनदार चैप्टर हो कर चुके हम लोग फिनिश कर दिए गाइस, तो इसे बॉडी सेल भी बोलते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं गाइस? सेक्स वाले सेल्स होते हैं, इसका नहीं करता ये, हम लोग को पता है ये मियोसिस से जाएगा, और स्टेम सेल ये सब माइटोसिस से जाते हैं, से बोथ ए एंड सी। फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब हमारे को किसका काइनेसिस होगा? न्यूक्लियस का, और यहां पे होता है प्रोफेस, पी से फर्स्ट याद रख लो, पहला पहला फेस है ये। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, आपने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस सुना होगा सबके, टेलोफेस ये सब सुना होगा, इसी के साथ साथ कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ये डिप्लोइड क्या है?
डिप्लाटिन को मेरे को भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया, पता चला कि ये कोई प्लेटिनम का है जो किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो ऐसे ही वर्ड इजाद हो गया। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द लिपिड्स, लिपिड्स मतलब गाइस फैट, तो यहां से 9 किलो कैल, ध्यान रखना किलो कैल है, कैल नहीं है, ठीक है। कमेंट करके मुझे आप कार्ब का बता दीजिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितना मिलता है। इन ह्यूमंस देयर आर डॉट डॉट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम गाइस, पेयर्स पूछा है नंबर्स, अगर नंबर्स पूछा तो 46 होता है, लेकिन हमको पेयर्स पूछा तो 23 पेयर्स, मतलब दो से मल्टीप्लाई करोगे 46 होते हैं एक सेल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये सब मार्क कर लेना एग्जाम में, नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, ध्यान रखिए मल्टी सेल्यूलर, ये असेक्सुअल है नो डाउट, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर के अंदर गाइज, आप लोग को याद होना चाहिए यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों में अलग है। फाइंड द ऑड मेनर्स, टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये सब किसका पार्ट है, ये हमारे गायनो जो फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं एसेंशियल वॉल्स के, उसके पार्ट है। एंथर मेल वाला स्टेमेन का पार्ट है, ध्यान रखिए स्टेमेन कैसे मालूम रहता है, देखिए स्टेमेन मेन बोला ना तो मेन का पार्ट है, सिंपल। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 to 4 million बुक से उठाया गया ओवोसाइट्स होते हैं इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फिटस, ये कुछ नहीं आता है तो ठीक है रट्टा मार लो, 2 से 4 अगर हिंदी में आता है तो 20 to 40 lakh, मतलब इंग्लिश में बोलता है ठीक है, क्रोर्स मत लिख के आ जाना। मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब क्या आप लोगों को पता होगा, ये इस तरह से हमारा वजाइना का सेक्शन होता है, यहाँ पे यूट्रस होता है, यही एंडोमेट्रियम वॉल होता है, इसके रप्चर होने से एमसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और यही अगर ना रप्चर हो तो प्रेगनेंसी मेंटेन कर लेती है, तो ये है अगर जिसमें अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसे सरोगेसी की सर्विस दे देते हैं। सरोगेसी मतलब बेटी बेटा एक माँ बाप का ही है, इन लोग ने प्रोड्यूस किया लेकिन माँ कैरी नहीं कर पा रही है बेबी को, तो उसने एक दूसरी वुमन को दूसरे वुमन के पेट में ट्रांसफर किया बेबी को, ठीक है मतलब एम्ब्रियो को। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन यूट्रस में होता है, और यूट्रस से तो नरिशमेंट ड्रॉ करता है प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा से नरिशमेंट ड्रॉ करता है। अब यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, टेस्टिस वो साइट है ठीक है, नर्व सेल वो सेल सब कुछ है, लेकिन हमको टेस्टिस लिखना है यहाँ पे, ये सब मैच्योर करते हैं उसको, और ये तो सिर्फ क्या एक पाउच है स्क्रोटम, और ओवरीज तो फीमेल के अंदर होते हैं। मैं सबके अंदर गाइस मैं अपने आप को महान बताने के चक्कर में सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उतने तक लिमिट करूंगा कि आप लोगों को आंसर आ जाए, क्योंकि महान बनने के लिए हमारे पास समय है बहुत, आप लोगों के पास भी बहुत है गाइस, मतलब सॉरी आप लोगों के पास था, अब आप लोग सिर्फ 20 दिन ही बचा, 20-25 दिन बचा, प्लीज आप लोग कोशिश करके पढ़ते जाइए जितना पढ़ना है, दुनिया भर का मत करिए, पास होने वाले सिर्फ आप लोग क्वेश्चन बैंक फॉलो करते जाइए, अच्छे बच्चे मार्क्स लाने वाले क्वेश्चन बैंक, आप लोगों को टेंशन उल्टे बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, आप लोगों को बुक का करना ही है साथ ही साथ ये भी करना है। अभी ट्विंस आर फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, तो मोनोजाइगोटिक, दो एम्ब्रियो मतलब दो जायगोट बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं तो वो डाई एम्ब्रियोनिक हो जाते हैं, तो ये हमारा गलत है, लेकिन हमारा सही क्या है मोनोजाइगोटिक ही होता है, सिंगल को क्या बोलते हैं मोनोजाइगोटिक से बनता है। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय, अब पोलन ग्रेन्स देखिए पोलन ग्रेन्स, और इसी तरह से हमारे में सेक्स क्रो हमारे जो सेल्स रहते हैं ये सब के सब मियोसिस से बनते हैं ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला तो माइटोसिस हमारा होता है ओके। मेथड ऑफ असेक्सुअल इज पैरामीशियम, पैरामीशियम का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ठीक है, ये ऐसे कटता है ऐसे, तो दैट्स अ ट्रांसवर्स, और युगलीना में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से रहती है तो इस तरह से आता है, तो इसे लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, तो हमको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर। मियोसिस नंबर 2 एन बिकम्स एन हाफ हो जाते हैं ना, अभी जनरली एवरी मंथ ओवम इज रिलीज्ड, 1 ओवम इज ओनली रिलीज्ड गाइस, पूरा मतलब उनके ओवरी से कितना ओवम निकलता है, दैट ओनली 1। डॉट डॉट इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो बोलता है बोथ प्रेजेंट है, तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल प्रेजेंट रहना चाहिए, तो आइदर एंड्रोशियम होगा और गायनोशियम, उनमें से एक ही रहेगा। इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, केमिकल फैक्टर अबायोटिक है मतलब उसमें लाइफ नहीं है, तो केमिकल फैक्टर मतलब न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही केमिकल्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, तो वही है। इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से बना हुआ, ऑफ अबायोटिक कंपाउंड, तो देखिए ये सब कार्बन से नहीं बने हुए, प्रोटीन कार्बन से बना होता है, कैसे नोच नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का सोर्स हमारी बॉडी में प्रोटीन का सोर्स प्रोटीन ही है। अच्छा इज अ रेयर स्पीशीज,
एन रवि, मैंने आप लोग को कोड दिया था एन रवि एंडेंजर्ड रेयर, याद है, वल्नरेबल और इनसिग्निफिकेंट नंबर, चार कैटेगरी थे। तो एन रवि, किसी को अगर साउथ में या हम लोग ऐसे बुलाएंगे एन रवि है तो मतलब ये रवि है, तो हम लोगों रेयर स्पीशीज सेकेंड वाले का पूछा, तो रट्टा मार के वहां पे मैंने कोड ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे मस्क डियर है। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब इसके नंबर हमको पता है ना कंडीशन के बारे में, तो वो जाइंट स्क्विरल लायन को देख के तो लोग वैसे भी निकालने वाले, रेड पांडा इतना ब्यूटीफुल था रेयर था, तो सिंपल सी बात है लॉजिक लगाओगे तो डी पे ही मार्क करोगे। अकरेंस ऑफ डायवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज मतलब आपके और मेरे में कैसी डिफरेंस है, हम लोग सेम स्पीशीज के, तो हमारे जेनेटिक है, अब मेरा जीन्स अलग है आपके जीन्स से, ठीक है। तो ऐसे हमारे को मालूम है ना तीन टाइप की बायोडायवर्सिटी है, वर्सिटी है, कमेंट करके बताइए कौन कौन सी, जेनेटिक स्पीशीज इन मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बिकम अ प्राइमरी नीड। अब देखिए गाइस, नीड तो सारे हैं, फूड क्लोर शेल्टर है, लेकिन गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस टू बायोलॉजी, तो एनर्जी चेपेंगे, कॉमर्स रहता है तो कुछ और लिखते हैं। तो आप लोगों को देखिए डिबेट नहीं करना है, जो बुक ने बोल दिया वो फॉलो करिए, बिलियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पीडीएफ लेके जाइए, एंजॉय करिए, फटफट पढ़ना शुरू करिए। द मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रो मोटर इंडक्शन, और ये आप लोग साइंस वन में भी पढ़ते हो, क्या होता है जब वायर को मूव करोगे तो मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेट को बहुत ज्यादा मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट आता है वायर के अंदर, तो ये सब चलता रहता है। इसे इन्वेंट किया था माइकल फराडे, कौन से डे, फराडे नॉट फराइडे, फराडे, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर। अगेन आप लोग सोचो कि स्टीम नाम तो बहुत स्मार्ट बच्चे सोचेंगे स्टीम तो नहीं होना चाहिए, एयर वाला शायद होगा, नहीं गाइस, वो जो गर्म होता है भट्टी के बाद आग निकलती, गर्म पानी को ही करते हैं एक्चुअली में, और ये पानी को फोर्स आगे हमारे टरबाइन को घुमाते हैं, तो स्टीम टरबाइन ही रहती है। अ न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डॉट डॉट न्यूट्रॉन, तो आप लोगों को मालूम है यूरेनियम 235 का फॉर्मूला होता है, एक न्यूट्रॉन इस पर मारते हैं ये बनाता है U236 और टूट के बना देता है बकरा BAKR और दे देता है तीन न्यूट्रॉन, तो आंसर है 3। मैं ऐसे ही याद किया था अपने जमाने से, हम पढ़ रहे बकरा ही करते थे, क्यों याद रखेगा, इसे बकरा करके याद रख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टर्बाइन, ठीक है, और स्टेबल वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। गाइस आप लोग इस चैप्टर के दो ही चीजें, कोल को जलाते हैं तो क्या निकलता है, कोल के इससे फिर कैसे यूज करते हैं, एक तो स्टेप हो गया ऐसे, एक दूसरा स्टेप होता है एनर्जी के फॉर्मूला, कोल में कौन सी केमिकल एनर्जी होती है, फिर उसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी में, फिर थर्मल एनर्जी को स्टीम एनर्जी में, स्टीम एनर्जी से फिर उसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उसे अपने घर में भेजते हैं मैकेनिकल, तो एनर्जी वाला एक चार्ट है। हर एक चीज की अगर चाहे कोल था थर्मल पावर प्लांट पढ़ोगे चाहे कोई भी, सबके दो दो ही करने, कौन कौन से स्टेप से पार होता है वो एक इजी है, दूसरा एनर्जी वाला है, आपको दोनों प्रिपेयर करके जाना है। याद कर लीजिए विंड टर्बाइन कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल 1 kW to 7 MW, इतने ज्यादा तक रहते हैं, याद करने वाली चीज आता है तो ठीक है, ये सब रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, ठीक है सब रट्टा मार है ये सब। अच्छा, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन द एटम्स ऑफ यूरेनियम 239, ये तो बनता है, अभी आप लोग को रिएक्शन लिख के दिखाया था बच्चों मन के सच्चों, ठीक है, अभी ब्रियम क्रिप्टॉन ये तो प्रोडक्ट है, ये क्या प्रीमियम प्रीमियम इट्स यूरेनियम, ठीक कर लेना गाइस, इसे ठीक कर लेना। माय बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी, चिपचिपी है और एकदम सॉफ्ट है, आप मोलस्का हो ठीक है। अब गाइस इज अ हर्माप्रोडाइट, हर्माप्रोडाइट गाइस देखो यहां पे ना मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी के अंदर, वो है डेलियोलम, कौन सी ओलम, डेलियोलम। अब गाइस कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट्स, मैंने एक बार छिपकली का दरवाजे से जब गया उसका पोल बिचारा कट गया था सर, तो मुझे बहुत लगा कैसा कैसा, तो एक आप लोगों को पता होगा स्पाइडरमैन की मूवी भी देखी कि वो रीजनरेट हो सकता है, लेकिन हमको वहां पे इसका ऑप्शन नहीं दिया, हमें स्टार फिश का ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग के बॉक्स में स्टार फिश लिखा गया था उसे फॉलो करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, ये कैसे रह गया, होम्योथर्म गाइस पूछा, होम्योथर्म वार्म ब्लडेड कौन कौन से रहते हैं, तो बात हो सकते हैं कि हम लोग सब वार्म होते हैं क्योंकि मैमल्स हैं,
अदरवाइज टॉर्टोइस, वर्ल्ड लिजर्ड, क्रोकोडाइल ये तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लेना। माई बॉडी इज गॉट द शेप टू मिनिमाइज द, ये स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप वॉटर में अगर तैरते हैं तो स्पिंडल शेप का बना रहता है रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। फ्रेंड ऑफ फार्मर अर्थवर्म है भैया, दोस्त है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड कैल्केरियस शेल, मतलब ऊपर का जो कवच है हार्ड से बना होता है, बाइवाल्व, ये मोलस्का है, ठीक है। अब ये हर्ड नहीं आया, क्या होता है, शार्क किसका है, नेरिस किसका पार्ट है, एनेलिडा का पार्ट, ये सब नहीं बताऊंगा मैं, बोलने वाले बताऊंगा नहीं आप लोग को। डॉट इज अ प्रोडक्शन, इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन गाइस। आप लोग मालूम है राइट हैंड साइड पे बुक में एक चार्ट दिया गया है, कॉफी किससे प्रोड्यूस करते, ग्लूकोनिक एसिड से यूज क्या करते, सिट्रिक एसिड फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। कहीं कहीं आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो हमको सिर्फ पता करना विटामिन, तो वो लैक्टिक लिखने का सिर्फ, ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है। नाउ इट इज अ यूज फॉर प्रोबायोटिक के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे खासे वाले डाल देते हैं तो डायरिया बाथरूम वितरूम होना रुक जाता है। योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है। अब आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस भी आप लोगों ने चोलों में पढ़ा होगा ना, लेकिन जो मेन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। अच्छा कमर्शियल, अच्छा इसमें पावरफुल एंटीबायोटिक, अगेन गाइस इसके अंदर माइसिन माइसिन करके देखिए, ये जो एसिन है ये सब किल करते हैं, सब सही है। लेकिन आप लोग को वो जब वर्ड सब लिख रहा था उसके एंड में मालूम है लिखा था कि जो उसमें से रेफामाइसिन वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए अगेंस्ट में बहुत अच्छा है, तो इसलिए रेफामाइसिन, अदरवाइज बाकी वाले भी मार सकते हैं लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है। पावरफुल लिखा, देखो ये भी बोल रहा है पावरफुल, पावर देखते हैं स्ट्रीम बरोबर जा रही है क्या बच्चों, स्ट्रीम बरोबर जा रही है क्या। जी जी दूंगा दूंगा, इसका पीडीएफ दूंगा भाई। हाय अभिषेक, हाय अभिषेक, हाय जय, हाय कुशाल शॉ, अरे तेज यादव से इसका पीडीएफ डाल दो ना। जी जी इसका डाल दूंगा, सबका डाल दूंगा आप लोगों से। ये भैया कौन है जो डिसलाइक भी ठोक के चलाता है भाई, क्या चाहते क्या इंसान, अपनी पूरी अतड़िया बाहर रख दे तब आप लोग कुछ मानोगे, ढोलोगे कुछ जमीन लोग। चलो गाइस लाइक कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, पता नहीं ऐसा फॉर्मेट में आप लोग को अवेलेबल भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते गाइस। कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में क्या अवेलेबल रहता है, कॉम्प्रेस्ड यीस्ट, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड यीस्ट मतलब गाइस देखिए दबा के रखे होते हैं, ग्रैनुलर फॉर्म में कहां पे होता है, होम यूज के लिए, ध्यान रखिए फाइन ग्रैनुलर फॉर्म में होम यूज के लिए, जो हम लोग घर पे लाते हैं वैसे सैशे में आता है वो नहीं। इसके अंदर मालूम है बाद में और भी थोड़े एडिटिव डाल देते हैं, विटामिन विटामिन का डाल देते हैं, थोड़े अच्छे चीजें डाल देते हैं, तो कमर्शियल लेवल पे अलग होता है। इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट रोल्स एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये आप लोग को पता होगा ज़ाइलिटोल और एस्पार्टेम भी था, लेफ्ट हैंड साइड पे एस्पार्टेम भी था, याद है, नहीं याद है आप लोग मेहनत नहीं किए, करिए याद करिए बच्चों। अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज इन फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल विच आर ऑलमोस्ट अलाइक सेम है, दो सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल, बंडल में रहते हैं ऐसे, तो स्टेम सेल्स होते हैं। इससे क्या होता है दूसरे और टाइप की, अगर एक स्टेम से हम लोग किडनी भी बना सकते हैं, हम लोग लिवर भी बना सकते हैं, जी हाँ उसी स्टेम सेल को सिर्फ ले लें, बहुत बहुत सारी चीज बना सकते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ग्रुप का मैटर करता है, डिजीज ऑफ डोनर भी देखते हैं, एज ऑफ डोनर भी देखते हैं, सही बात है, ऑल ऑफ द अबव। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर होगा तभी ना मिलेगा स्टेम सेल, तो ये पहला ये भी पॉइंट सही है। डिजीज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तो सब लोग में आजकल तो ये बहुत फेमस है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाती है डायबिटीज, डायबिटीज भी दो टाइप का होता है, मलाइटिस इंसिपिडस, ठीक है। ट्रांसजेनिक रॉ, ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो मतलब क्या गाइस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, ये नॉर्मल आलू नहीं होता है, ये कुछ रोग से लड़ सकता है, वो रोग है कोलेरा जिससे पहले लोग बहुत मरते थे। यूएसए में जिसने बहुत ज्यादा फेमस किया था ग्रीन रिवोल्यूशन को वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में है हमारे इस डॉक्टर स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या, मेन सीमेन को फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं, इंजेक्शन नहीं होते, पाइप लाइक स्ट्रक्चर पतला सा होता है तो उससे होता है, तो जैसे आप लोग मुर्रा भैंसा सुने वैसा, तो वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इससे दूध की क्वालिटी अच्छा सब कुछ अच्छा होता है, वो एनिमल हस्बेंड्री में यूज होता है। इज डॉट दैट रिवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग, गाइस ये बुक में चेपा हुआ है कि
10 सेल सर्च है, अदरवाइज सभी को बढ़ावा मिला था, डीएनए डिस्कवरी को भी बढ़ावा मिला था, ये सबको ही मिला था। लेकिन अब क्या बोले जब सब जगह चला, ये सब क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, आप लोग के 21 से उठाए गए, बुक में से उठाया गया आप लोग के क्वेश्चन, और डाइजेस्ट में से उठाया गया, ये तीन जगहों से क्वेश्चन उठाए गए। मेरे पास इसमें से कुछ भी अवैध नहीं है, सिम में बच्चों को पढ़ाता था उसमें पता था, लास्ट कराया था कि क्वेश्चन वहां पे है। चलो, फैट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर वॉज प्रोड्यूस इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन, बुलवर्म था, तो इसको ठीक कर दिया बायोटेक्नोलॉजी ने, ये कॉटन के उसमें था, कॉटन को पूरा खा जाता था। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन, अब आप लोग को यहां से पता होना चाहिए कि ये जायगोट विगोट के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। प्लस साथ ही साथ हमको स्टेम सेल कौन सा वाला कब मिलेगा, कौन से स्टेज में निकाल के उसे ले लेना है। डिफरेंशिएशन मतलब गाइस स्पेशलाइज होने लगता है वो, जो जो उसका फंक्शन है, किडनी बनना शुरू हो जाएगा उसी में, किडनी वाला फंक्शन, लिवर वाला फंक्शन, ब्रेन वाला फंक्शन, नर्वस टिश्यू, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। अब आप लोग उसमें से पहचान जाओ कि ये अलग सेल दिख रहे हैं, 14 दिन के बाद ऐसा शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज एनकेएम, एनकेएम किसे है गाइस, नील क्रांति मिशन, नील क्रांति, नीला क्या है, समुंदर है, एक्वा कल्चर, ठीक है। एक्वामैन आप लोग पिक्चर देखो ना, का ही बोलेंगे तो एकदम जबराट मूवी थी गाइस, मजा आ गया देख के। आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड गाइस वही होता है जिससे मदर से जो उसके वोम्ब में फीटस होता है उसे न्यूट्रिशन मिलता है, प्लासेंटा, तो स्टेम सेल, ठीक है, इस जॉइंट फीटस जॉइंट होता है। देखिए यही सब बताया गया यहाँ पे, मैं सिर्फ इसको आप लोग एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। अब गाइस लिक्विड नाइट्रोजन के आपने एक्सपेरिमेंट देखे कितना ठंडा होता है, उसी को यूज किया जाता है स्टेम सेल को रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। फिनाइल किटोनुरिया, अब गाइस आप लोग देखोगे जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हो लेफ्ट हैंड साइड बुक के नीचे में फिनाइल किटोनुरिया डिजीज का नाम लिखा है, लीवर का डिजीज है वो, तो मैं अपने नॉर्मल लेक्चर में इसका डिजीज का प्रॉब्लम भी बताया था, इसे कैसे ठीक करते हैं, ये क्या डिजीज, ये भी मैंने बताया था, जाके फॉलो कर लो जिसे पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म इज यूज एट बायो फर्टिलाइजर, मतलब क्या, आप फर्टिलाइजर जनरली यूरिया देखो खेतों में केमिकल होता है, ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में जो खेत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, उसे बोलते बायो फर्टिलाइजर। नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब है। अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये दुनिया छोटी लग रही है, अरे बाबा तो छोटी बड़ी लगने लगती है, तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। लाफ्टर क्लब दूर करने के लिए स्ट्रेस में, तो जिसने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा तो देखा रहेगा, वो जो हंसता रहता है, हंसता जब भी उसे गुस्सा आता है तो हंसना शुरू कर देता है, ठीक है, उसका नाम क्या रहता है, उसी के नाम के से कैपिटल है कजाकिस्तान का, अस्ताना, जी हाँ, ऐसे तो सीन याद किए थे हम लोग, कुछ कुछ कैपिटल ऐसे याद करते, अस्ताना, डॉक्टर अस्ताना थे। हेल्प्स टू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज, अब देखिए गाइस हॉबीज भी अच्छे रहते हैं, स्पोर्ट्स भी हेल्प करता है, ईटेबल्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोले, बुक में मेडिटेशन लिखा तो वही लिखने का, ज्यादा पते नहीं करने ये लोग के सामने, ठीक है, ये लोग को मेडिटेशन ही लिख के देना। इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंस में कौन था, टीचर का सुनते हैं, नहीं रे बाबा पापा से दूरी भागते हैं, रिलेटिव से 10 कदम दूर रहते हैं, हाँ दोस्त से मिलके रहते हैं, तो उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। आवर लाइफ स्टाइल हैज बीन चेंज, अब देखो जैसे कि हैबिट नहीं चेंज हुई हमारी, सर्कमस्टेंसेस नहीं चेंज हुए, पैशन नहीं चेंज हो रहा है, ये सब भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ यार, एज की टेक्नोलॉजी, हम लोग लाइफ स्टाइल बुक में छिपा है तो लाइफ स्टाइल ही लिखेंगे। हॉबीज लाइक रेयरिंग मतलब पालना, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कॉजेस कार्सिनोजन मतलब कैंसर, कैंसर स्पेशली ऑफ माउथ एंड लंग्स, मुंह का, तो हमारी इंडिया चबाती, इंडिया में अकेला लगता है मुंह का कैंसर होता है क्योंकि हमारे इंडिया में च्यू करते हैं। अल्कोहलिक पर्सन लैक्स रैशनल बैलेंस, शॉर्ट नहीं रहता, कभी गुस्सा कभी ठंडा, डॉट डॉट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, देख रहे हैं आप लोग क्या सीन है यहाँ पे, विलियम एजुकेशन लिख के आ गया कि विलियम एजुकेशन मे अराइज, अगर आप ज्यादा फोन यूज करोगे डरो, प्राइम मास्टर गोगो, तो गाइस ऑल ऑफ द अबव, लिकर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहल, सेम से मेरे साथ मजा, दिक्कत नहीं। सलाम मुंबई फाउंडेशन टोबैको से मुक्त करने के लिए लोगों को, जनरली BMC के स्कूलों में लोग ज्यादा घूमते हैं क्योंकि वहीं पे अलावा है, क्योंकि सलाम मुंबई फाउंडेशन जब जाती है नॉर्मल स्कूलों में तो उसको मानते हैं कि बेइज्जती है उस स्कूल की, देखो वहां पे लड़के कुछ फूक फाक रहे हैं इसलिए यहाँ पे देखो आए हैं ऐसा, तो अब वो अच्छे स्कूल वाले नहीं बुलाते, BMC स्कूल में जाते हैं लोग। आप लोग के कमेंट्स ले लेते हैं, चलो गाइस शेयर कर देना अपने दोस्तों में। हाय भाई भाई, हाय हाय हाय, टोबैको बायकॉट करो, जी हाँ ठीक है।
आप लोग बिना नोटिफिकेशन के भी आए, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट, इट मींस अ लॉट। ठीक है, जितना जल्दी डाल सकता था गाइस उतना अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन रखता था। और ऑलरेडी इसको लेके ना गाइस क्या गलत लेके लोगों ने क्या किया, अच्छा सोचा भी था, मैं स्टूडेंट के भले के लिए सोचा था कि हम लोग ना इसे क्या कर देते हैं कि मराठी वाला ट्रांसलेट कर देते हैं या उर्दू वाला ट्रांसलेट कर देते, लेकिन इसमें चक्कर में क्या इंग्लिश वाला पूरा अलग निकल गया। तो वो वीडियो जिसने देख लिया प्लस क्वेश्चन भी उलट पुलट है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता अब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर इसमें से आया कि उसमें से आएगा, मुझे सिर्फ ये पता है कि इसमें से 50-60% तक जरूर क्वेश्चन आएंगे। और गाइज इतना बड़ा है आप लोग का ये साइंस में देख के तो किसी का बोलते ना दिल दहक जाएगा, इतना हार्ड है। तो जो बच्चों ढीले हैं साइंस में गाइज प्लीज साइंस टू पे ध्यान दे दीजिए, साइंस टू इजी है, साइंस वन हद पार है, हद पार है, हद पार है। इतने ज्यादा उसने बड़ा कर दिया ना, अपने को दिखाना चाहता था कि हम हैं बादशाह, नो प्रॉब्लम विद एनी गवर्नमेंट, बस जैसे बोल रहा हूं। ठीक है, लाइक कर दीजिए बच्चों, साम 750 क्वेश्चन बैंक, देखो जय ने ऑलरेडी देखा है, अरे पढ़ लिया। हेलो आयशा जी, हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो साइंस वन जैसे कि देखा है, साइंस टू फॉलो कर लो, मजे मजे, डायग्राम ही डायग्राम है, साइंस टू ने लाइफ मजा ने लाइफ, पढ़ना इसे। चलो फाइंड द ऑड मैन आउट, गलत कौन इसमें से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये म्यूटेशन, तो ये सब क्या होता है, ये जीन या हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के साइन में रहता है। म्यूटेशन क्या होता है, जीन्स का चेंज हो जाना, ये गलत है। लीफ वेनेशन, साइज ऑफ सीड, लीफ पेटियोल, ये सब इससे क्या मालूम पड़ता है, देखिए गाइस ये लीफ पेटियोल और ये सब है हमारे, इससे मालूम पड़ता है कि ये आम का पत्ता या आम के पत्ते जैसा ही दिखता है, उसकी पत्तियां उसकी डंठल ऐसी रहती है। साइज ऑफ सीड से कुछ नहीं मालूम पड़ता, इससे मालूम पड़ता है कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, पोजिशन ऑफ आई, ये सब नॉस्ट्रिल स्ट्रक्चर, ऊपर से ईयर पिन्ना, ये मॉर्फोलॉजी, ऊपर से कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा अपीयरेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इज एनाटॉमी, अंदर से, तो ये बाहर है, मतलब ये बाहर का ऑड मैन हो जाएगा ये। ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ व्हील्स, कैट्स फोर लेग और विंग्स ऑफ बर्ड्स, अगेन ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन हैंड है, फ्लिपर ऑफ व्हील है, कैट्स फोर लेग आगे के, तो ये सब अलग चीज है, और यहाँ पे विंग्स है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल है, फिर से वही डिफरेंस आया। कैरेट, रेडिश, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पोटैटो इज द स्टेम, आप लोग को पता होना चाहिए, ये सब जो आगे चीज है ये रूट है जो आप खाते हो, तो जो जमीन के अंदर है वो रूट है दोस्तों, जो जमीन के बाहर है वो स्टेम दिखना है, जंदा में ऐसे कर लो। वास इफ, अच्छा नहीं, बडिंग, रिजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन अगेन, ये सब किसके दिख रहे हैं, ये बाइनरी फ्यूजन यूनिसेलुलर का है और ये सब मल्टी सेलर के। आप लोग के गाइस क्वेश्चन जो भी हो वो मुझसे पूछ लें, जैसे कि कुछ मैं फटफट बता रहा हूं, जैसे किसी ने पूछ लिया था मुझसे 6 and 13 क्यों है, नॉक्टेव रूल फॉलो करने के लिए वो आंसर क्यों है, तो उसको आंसर मैंने किया बच्ची को, पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन लड़की ने पूछ लिए, तो जो भी आप लोग ऐसे पूछा करिए, आई विल बी वेरी मच हैप्पी इफ यू पीपल विल आस्क द क्वेश्चन। वास इफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडाइमिस, वास इफरेंस, तो देखिए अब ये सब क्या है गाइस, आप लोग को थोड़ा पता है कि नहीं, ये डक्ट है, डक्ट मतलब इनमें से जो जो भी इनका एंजाइम हार्मोन्स निकलते हैं ऐसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में से, इसको डक्ट बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, डक्टलेस है, ये सीधा डाल देता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड बार्तोलिन, ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है, तो सिंपल आउट है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी, अब पोलन, पोलन मेल का पार्ट है, बाकी सब फीमेल का पार्ट है। हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज, मैंगो, ये सबके सब बायसेक्सुअल है गाइस, मतलब एंड्रोशियन गायनोशियन दोनों एक ही में प्रेजेंट है। पपाया यूनिसेक्सुअल होता है, एक ही प्रेजेंट रहेगा। अब कंजर्वेशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, ये सब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलार इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है गाइस, ग्रीन एनर्जी के पार्ट है, मैं बताते जा रहा क्यों अलग है, ये आप लोग नोट कर लेना होगा तो कर लेना। और ग्रीन एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी क्या है, ये तो भाई इससे पॉल्यूशन होता है, रेडियो वेव्स निकलते हैं, तो ये सेफ एनर्जी नहीं होती है। यूरेनियम, पेट्रोल, कोल सबसे एनर्जी निकलती है, सिलिकॉन से नहीं निकलती। और ये सब क्या है, ये सब अर्थ क्रस्ट में से रहते हैं, इसको तो सिलिकॉन का डायरेक्टली यूज नहीं, सिलिकॉन को आप पहले यूज करोगे फिर उसके बाद आप सोलार सेल बनाओगे तब उसका कहीं यूज है। सोलार फोटोवोल्टाइक से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, देखिए ये क्या कर रहा है, ये हीट निकालता है, ठीक है, गर्मी देखिए किसी खाने को जल्दी पका देगा, और ये सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वाटर, विंड, नेचुरल गैस,
फॉसिल फ्यूल, ये सब देखिए क्लीन एनर्जी है, साफ सुथरे हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब ये कोल को मान रहा है, तो कोल मतलब क्या करेगा, एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब छोड़ देगा। एलपीजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल, ये सब व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन प्लस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, एडिबल ऑयल खाने के लिए यूज होता है। कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम, क्रूड ऑयल, अब ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जो ग्रीन में मार्क किया गया जो गलत है, वो ऑल्डमैन है, क्यों, वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। टॉर्टोइस, लिजर्ड, स्नेक, ये सब क्या है, हमारे रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, रेप्टाइल से, और क्रो वहीं पे एव से बिलोंग करता है, पिकॉक, पैरट, डक, ये सब बर्ड है, कैंगारू मैमल में आता है, ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट, लिजर्ड, तो ये सब फिर से आप लोग देख लियो कि ये मैमल्स में, और वो किसमें का पार्ट है, फिर से अगेन रेप्टाइल्स का पार्ट है, कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्पाइडर और हनीबी, ये सब का क्या है, आप पाओगे कि ये सब के पास पैर इतने नहीं थे, ये क्या होता है, अक्टा, आठ पैर होते हैं इसके पास, इसलिए स्टारफिश, शी और चिन, नेरिस और सी कुकुम्बर, तो ये क्या है, ये एनेलिडा का पार्ट है, और ये इकियन डर्माटा, एकॉन डर्माटा ऐसे भी बोल लेते हम लोग। तो देखिए अब ये इनमें जो हमारे एनेलिड्स में ये सब पार्ट से वो लोग चलते हैं, और यहाँ पे इकियन डर्माटा का पार्ट है ट्यूबफिट, तो ये अकेला इकियन डर्माटा का, बाकी सब किसका है, एनेलिडा का, तो नीचे वाला भी याद कर लेंगे। पेनिसिलिन, निओमाइसिन, रेफामाइसिन, ये सब क्या है, किलर है, क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ये एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम है, हाइड्रोलाइसिस, लाइगेसिस, ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं सब, और पेप्सिन हमारी बॉडी रिलीज करती है, तो ये फर्क है। अच्छा गाइस, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब नहीं समझ आया, तो मुझे लगता है प्लांट्स और क्या, शायद से ना माइक्रोबायोलॉजी में क्या यूज होता है उसको पूछ रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी में सब कुछ यूज होता होगा, प्लांट्स नहीं यूज होते होंगे, तो ये सोच के मैंने इसको सिर्फ रखा था कि इसमें कंफ्यूजन है, फिर भी आप लोग अगर ना रहे, मौका आंसर ना मिले, ना मैं बता पाऊं, तो प्लांट्स मार्क कर देना। अब खोआ, खोआ मालूम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, शुगर सॉलिड नहीं, मिल्क सॉलिड्स, मिल्क सॉलिड है वो, योगर्ट, बटर चीज, ये देखिए ये इंडस्ट्रियल हमारे जो प्रोडक्शन के पार्ट है, खोआ इंडस्ट्रियल नहीं, घर पे बनता है, बैक्टीरिया का यूज भी नहीं होता है, तो सीधा गर्म करके होता है। फ्रॉग, अर्थवर्म, पिंक बुलवर्म, इंसेक्टिवोर्स बर्ड, ये सब फार्मर्स को हेल्प करते हैं उसके क्रॉप में, देखिए ये सब इंसेक्टिसाइड को खा जाते हैं, फार्मर्स को फ्रेंडी बोलते हैं, अर्थवर्म, अर्थवर्म को फ्रेंड बोलते हैं, फ्रॉग भी हेल्प कर देता है, पिंक बुलवर्म क्या होता है, कॉटन क्रॉप को खराब कर देता है, डीडीटी, मेलाथियन और हमारा क्लोरो पायरोफोस, ये सब इंसेक्टिसाइड है, बाकी जो यूरिया है वो फर्टिलाइजर है, तो इसलिए अलग है ये। डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, तो गाइज ये ब्लड में कमी की वजह से किसकी होती है, हमारे ब्लड में किसी इंग्रेडिएंट की कमी, जैसे कि अगर आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है, डायबिटीज एंजाइम की कमी से होती है दोस्तों, ऑर्गन की कमी से सिर्फ वो एंजाइम नहीं छूट रहा है। ड्राइंग, सॉल्टिंग, सोकिंग विद द शुगर, जैसे कि आप लोग जैम, जैसे जैम शुगर में कोट हुआ रहता है, यूएसए में बहुत बनाते हैं, यूरोपियन कंट्री में। कुकिंग, स्टोरेज का एक मेथड नहीं है, कुकिंग में तो फट से खाओ, बनाओ, सो जाओ। डीडीटी, मेलाथियन, क्लोरोपाइरीफॉस, ह्यूमस, ये सब देखिए ये अलग है, ये ह्यूमस क्या करता है गाइस, ये फिर से फर्टिलाइजर लेकिन ऑर्गेनिक है, ये सब इनऑर्गेनिक चीज है जो अलग से। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये आप देखोगे एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे अलग है भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ये पोटेशियम, तो एनपीके आप लोग पढ़े थे ऑलरेडी, ये सब रहता है, इसके अलावा सोडियम भी रहता है, ये एसेंशियल है, किसी भी सॉइल के एसेंशियल पार्ट हैं ये लोग। एल्यूमिनियम नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम वैसे आप देखोगे सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो मेटल पाया जाता है वो, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट नहीं है उसका। चीज, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब क्या बनाए थे, इंडस्ट्रियल माइक्रोब के थ्रू बनाए थे, आइसक्रीम नहीं, ठीक है। टेरिस विटाटा, इंडियन मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सब क्या करते हैं, आर्सेनिक, सिलेनियम, यूरेनियम जैसे सारी जो हमारे सॉइल के अंदर प्लस वॉटर के अंदर जो मेटल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन राइज नहीं करता। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, टॉयलेट, ये सब हमारे सोशल हेल्थ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जी हाँ। तो इसमें से काउंसलिंग, ये एक्चुअली बाद में आता है जब आपकी खराब हो चुकी है कुछ ना कुछ कंडीशन, आप इम्बैलेंस हो, ये पहले की चीजें हैं। टोबैको, लाफ्टर, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स, ये खराब चीजें हैं, लाफ्टर क्लब अच्छी चीज है, तो इस तरह से इसको अलग कर सकते हो। अब इसके बाद की सारी चीजें हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग को, बच्चा लोग बोलिए, बोलिए बच्चा लोग।
नाइस ओके नाइस थैंक थैंक्स गाइस लाइक कर दीजिए सबके सब 15 तक कर लीजिए 6 लोग और हैं आज सब 10th का याद आ गया मुझे 89% आया था गुड आयशा आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट बिकॉज यू फॉलो आवर 11th का कोर्स वेरी वेल थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ओ आशुतोष जी गाइस चैट में हमारे सीनियर आ गए जस्ट टेक अ नोट हेलो गाइस अभी चले ही जाएंगे ठीक है ही इज द सीनियर हु हैव टॉट मी एवरीथिंग लाइफ में क्या करना है प्लस एजुकेशन में क्या करना है मास्टर ओके ओके आशुतोष जी दैट्स थैंक्स अ लॉट आशुतोष जी गाइस यही है जिनके साथ हम दिल्ली में थे ठीक है चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे सायनारा लेकिन वादे के साथ जय हो दोबारा बाय बाय दोस्तों बाय टू वेल